नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 24 तारीख की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु मिथुन राशि में, वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर है और बृहस्पति केतु धनु राशि में। आज शनि का प्रवेश मकर राशि में है, चंद्रमा भी मकर राशि में जा चुके हैं और वहां पहले से सूर्य और बुध विराजमान है। कुंभ राशि में शुक्र का गोचर। राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, शासन सत्ता पक्ष का सहयोग रहेगा, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे। यदि आप किसी भी तरीके का कोई कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अप्लाई करें, आपके लिए अच्छा समय है। जो खेती और हरी वस्तुओं से, फसलों से या सब्जियों से जुड़े हुए व्यापार करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। व्यापार अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है और प्रेम की स्थिति भी आपकी अच्छी है। शनि देव का दर्शन करें या ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः का जाप करें और आपके लिए अच्छा हो। वृषभ राशि, भाग्यवश कोई काम बनेगा और मंदिरों की यात्रा कर सकते हैं, पूजा पाठ में मन लगेगा, धार्मिक बने रहेंगे और भाग्य साथ देगा। शारीरिक स्थिति अच्छी है, प्रेम की स्थिति अच्छी है और व्यापारिक स्थिति पहले से बेहतर होती जा रही है। शनिदेव का दर्शन करें और बस उन्हें प्रणाम करें पितृवत मान करके और अच्छा होगा। मिथुन राशि, थोड़ा परेशानी भरा समय, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा बच के पार करें। शनिदेव की भक्ति करें, बस नैया पार लग जाएगी और सफेद वस्तु का कोई दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। शारीरिक मध्यम, प्रेम मध्यम और व्यापारिक भी मध्यम स्थिति दिख रही है। कर्क राशि, ऐसे तो बड़ी अच्छी स्थिति आपकी शुरू हुई है, लेकिन आज के दिन जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यापारिक कोई नई शुरुआत ना करें, जो चल रहा है उसमें चलने दें, चार चांद लग सकता है। किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं है, लेकिन कोई नई शुरुआत ना करें। व्यापारिक स्थिति अच्छी है, शारीरिक स्थिति अच्छी है और प्रेम में थोड़ा तूतू मैमे या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा परेशान रहेंगे, बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली स्थिति नहीं है। कोई भी नीली वस्तु किसी को दान करेंगे ना, किसी गरीब को, तो और अच्छा आपके लिए होगा। सिंह राशि, शत्रु पक्ष हार मान जाएगा, आपसे मित्रवत व्यवहार करेगा, आप जीवन में तरक्की करेंगे, खुशहाल समय रहेगा। शारीरिक थोड़ी डिस्टरबेंस का समय है, मानसिक स्थिति ठीक रहेगा। पारिवारिक स्थिति और प्रेम की स्थिति थोड़ी मध्यम है, व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी कही जाएगी। किसी भी तरह की कोई उड़द की दाल या इससे संबंधित कोई भी वस्तु किसी को दान करना आपके लिए उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। कन्या राशि, संतान पक्ष से थोड़ा परेशान रहेंगे, थोड़ा अवसाद की स्थिति रहेगी और किसी भी तरह की कोई लिखने पढ़ने की शुरुआत आज के दिन ना करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन ना, जैसे चल रहा वैसे चलने दें। मानसिक स्थिति मध्यम, शारीरिक स्थिति मध्यम, प्रेम की स्थिति मध्यम, व्यापारिक स्थिति ठीक ठाक है। शनिदेव का दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें और अच्छा होगा। तुला राशि, घर में थोड़ा तूतू मैमे की स्थिति है, बच के पार करें, बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। भूम भवन वाहन की खरीदारी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मां के स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके रक्तचाप की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी थोड़ा बच के पार करें, बस आज के दिन की यह प्रॉब्लम है, बाकी बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। शनिदेव को प्रणाम करें और किसी गरीब को कुछ दान करें आवश्यकतानुसार। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार मध्यम। वृश्चिक राशि, घोर पराक्रमी बने रहेंगे, ये पराक्रम आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। भाइयों मित्रों सबको सबका साथ होगा। थोड़ा ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है, नाक कान गले की, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी, प्यार की स्थिति बहुत अच्छी, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम दिखाई पड़ रहा है।
किसी भी तरह की काली वस्तु का दान करना आपके लिए उचित होगा और शिवालय में जाकर के शिव जी को प्रणाम करना आपके लिए बहुत अच्छा। धनुराशि, आर्थिक संकट जैसा महसूस करेंगे आप, लेकिन ये अंतिम चरण की दिक्कत है, बस आज और कल। कुटुंबों से ना उलझे, नेत्र विकार संभव है, मुख के रोग से भी परेशान हो सकते हैं। शारीरिक स्थिति मध्यम, व्यापारिक स्थिति मध्यम, प्रेम की स्थिति अच्छी कही जाएगी। शनि से संबंधित कोई भी दान पुण्य करना और शिव जी का दर्शन करना आपके लिए अच्छा रहे। मकर राशि, यद्यपि पहले से बहुत अच्छी स्थिति हो गई है आपकी, लेकिन अभी थोड़ा सा शनि और चंद्रमा के एक साथ रहने से, सूर्य और चंद्रमा के एक साथ रहने से थोड़ा सा, जब तक चंद्रमा आपके राशि से निकल ना जाए तब तक कुयोग बन रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा परेशान रहेंगे। शारीरिक स्थिति मध्यम, व्यापारिक स्थिति मध्यम, प्रेम की स्थिति मध्यम, शनि देव का दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें, अच्छा होगा। कुंभ राशि, खर्च से परेशान रहेंगे, परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल लगेंगी, कर्ज की स्थिति आ सकती है, नेत्र विकार संभव है। शारीरिक स्थिति मध्यम, व्यापारिक स्थिति मध्यम और प्रेम की स्थिति मध्यम दिखाई पड़ रही है। सफेद वस्तुओं का दान करें और शनिदेव को प्रणाम करें। मीन राशि, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आय के नवीन स्रोत बनेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे, मन खुशहाल रहेगा। प्रेम की स्थिति मध्यम है, व्यापारिक स्थिति उत्तम है और शारीरिक स्थिति ठीक ठाक कही जाएगी। शनिदेव को प्रणाम करें और शिवालय में दूध का पैकेट दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।